टीवी सीरियल झनक की कहानी में झनक आ गई है अनिरुद्ध के घर अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने। झनक आ गई है अनिरुद्ध के घर ताकि अनिरुद्ध का नाम अपने बच्चे को दिलवा सके। झनक चाहती है कि उसका बच्चा वो सब कभी ना झेले जो उसने झेला है, लेकिन अनिरुद्ध ने सबके सामने झनक से कह दिया है कि ये पाप आदित्य कपूर का है। अनिरुद्ध झनक के बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ से शो में क्या कुछ होगा, चलिए आपको बताते हैं। सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे झनक सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाएगी। जी हाँ, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली है झनक। As per the sources, शो के आगे आने वाले एपिसोड में आदित्य कपूर झनक का हाथ थामने वाला है। आदित्य कपूर झनक की जिंदगी में प्यार के रंग बिखेरने वाला है। आदित्य को झनक से प्यार तो है ही, और अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं झनक के बच्चे को अपना नाम देने के लिए भी आदित्य तैयार हो जाएगा। झनक के बच्चे को अपना अपनाने के लिए आदित्य तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे शो के अपकमिंग एपिसोड में आदित्य कपूर और झनक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। देखना होगा छोटे से लीप के बाद जब अनिरुद्ध से होता है सामना आदित्य कपूर का, सीरियल में कौन सा नया मोड़ आता है।